हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नवाज शरीफ के निगरान हुकूमत पर भी खदशात, कानून वाजह नहीं, तरामीम की तजवीज, नाअहली के फैसले पर गिले शिकवे, इकामा पर वजारत उज़्मा और पार्टी सदारत से हटाया गया, अब ताहयात नाअहल करने का सोच रहे हैं, आईन की बालादस्ती के लिए सबके साथ बैठने को तैयार हूँ। अहलिया बीमार है, अयादत के लिए लंदन जाना चाहते हैं, नवाज शरीफ की हाजिरी से 7 दिन इस्तिस्ना की दरखास्त, कुलसूम नवाज की मेडिकल रिपोर्ट पेश, एहतसाब अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया। शेख रशीद ने आइन तोड़ने का अंदिया दे दिया है। शेख साहब, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अदालत उज़्मा में बैठे पानामा केस में आप रिमार्क्स देते रहे और जज साहिबान ने आपको एहतरामन कुछ नहीं कहा, इसका ये मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट आपकी डिक्टेशन पे चलेगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने रावलपिंडी के सियासी हरीफ को निशाने पर ले लिया, शेख रशीद ने किसके कहने पर आईन तोड़ने की बात की, सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर में इसहाक दार की रिहाइशगाह के लिए किसके कहने पर पार्क उखाड़ा गया, अस खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस का इस्तफसा, वजीर की जबान हिलते ही आप लोग गुलाम बन जाते हैं, जस्टिस साकिब निसार DGLDA पर बरहम, मुआफी मुस्तरद। यहाँ तक ये पार्क था और मैं आपको दिखाऊं इसका सबूत, क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं की गई है, इसको छोटा कैसे किया गया है, ये आप देख सकते हैं कि वो बाउंड्री लाइन पुरानी है और उसका सीमेंट भी पुराना है, और ये जो बाउंड्री लाइन है इसको नया बनाया गया है, सीमेंट भी ताज़ा है, वो जो काला गेट आप देख रहे हैं ये साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब का घर है। लाहौर में इसहाक डार के घर के लिए पार्क की कुर्बानी, लाहौर न्यूज ने प्रोग्राम टॉप स्टोरी में 2 मार्च को मामला उठाया। कितने दरख्त लगे, पैसा लगा या हजम हुआ, बिलियनरी प्रोजेक्ट नैब के रडार पर, तहकीकात के लिए कमेटी कायम, तमाम रिकॉर्ड की छानबीन होगी। नकीबुल्लाह कत्ल के साबिक SSP मलीर राव अनवार को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कोयटा में दहशतगर्दी की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया, खुदकुश जैकेट को नाकारा बना दिया गया। पर महंगाई के एक और हमले की तैयारियां, अप्रैल में पेट्रोल का रेट मजीद 3 से 4 रुपए लीटर बढ़ने का खदशा, हतमी फैसला 31 मार्च को होगा। गिले शिकवे दोहराए, नवाज शरीफ ने कहा कि निगरान हुकूमत के हवाले से तरामीम होनी चाहिए, निगरान हुकूमत के हवाले से वाज़ेह कानून मौजूद नहीं है, इसका फैसला हुकूमत और ऑपोजिशन को करना होता है, निगरान हुकूमत के क्या इख्तियारात होने चाहिए इस पर बात होनी चाहिए। साबिक वजीर आजम का ये भी कहना था कि निगरान हुकूमत को अपने इख्तियारात से तजावुज नहीं करना चाहिए, निगरान हुकूमत के हवाले से तरामीम होनी चाहिए क्योंकि निगरान हुकूमत के हवाले से कानून वाज़े नहीं है, उनका क्या कहना था आइए आपको सुनवाते हैं। सब सियासतदानों को बैठना चाहिए और खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन का ये किरदार है और उनको बैठ के इसका फैसला करना चाहिए। अगर बहुत अच्छा हो, अगर हम अपना जो है ना वो कुछ बाकी भी अमेंडमेंट्स कर लें, केयर टेकर पीरियड में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या पावर्स होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा क्लियरली डिफाइंड नहीं है,
तो ये मेरा ख्याल है कि इसकी अशद ज़रूरत है और ये अगर कर लिया जाए तो हम हमारी जो पार्टी है उसको पूरा सपोर्ट करें। इस बात का डर है कि कोई ताकतवर कुवतें होंगी जो सियासतदानों को कठे नहीं बैठने देंगी, गवर्नमेंट की एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की, एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की क्या पावर्स होनी चाहिए और उन पावर्स से कहीं अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर नहीं उसको निकलना चाहिए, ये बात। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मौकिफ आपने जाना, जिनका कहना है कि निगरान हुकूमत के हवाले से तरामीम की ज़रूरत है। इसी बारे में हम मज़ीद भी बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है अपने इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करना चाहिए, ये उनका मौकिफ है? निगरान हुकूमत के पास कौन से इख्तियारात हैं जिनसे वो तजावुज़ कर सकती है? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपने फैसले में बड़ी तफसील से ये बता चुकी है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उनके क्या अख्तियारात है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी तौर के ऊपर भी कोई मुस्तकिल नौइयत का फैसला केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं ले सकती, और जो निगरान हुकूमतें हैं उनका जो अख्तियारात है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में मुकम्मल तौर के ऊपर उनको डिफाइन कर दिया गया है। तो अगर नवाज शरीफ साहब ने जो है वो किसी अपने कानूनी माहिरीन से या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को देखा होता तो उन्हें इस बयान की जरूरत ना पड़ती। साहब, उन्हें कोई खदशा तो है कि शायद वो, क्या आपके ख्याल में उनको लग रहा है कि कोई इख्तियारात से तजावुज हो सकता है, लंबी हो सकती है निगरान हुकूमत, किस किस्म के खदशात हो सकते हैं? निगरान हुकूमत की तवालत के ऊपर तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की एक कंसेंसस है कि आइन से बाहर जाने की जो है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना इजाजत देगी ना ही जाना चाहिए, आइन के अंदर ही रहना होगा, और आइन के मुताबिक अगर 31 मई तक ये हुकूमत चलती है तो 15 जुलाई से और 31 जुलाई के दरमियान में इंतखाबात होने हैं, और इंतखाबात की मुद्दत जो है उसमें इजाफा नहीं हो सकता, ये आर्टिकल 224 आइन का बिल्कुल वाज़े है। तो इलेक्शंस के डिले के ऊपर तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका कंसेंसस है कि वो मुमकिन नहीं है, और ना ही निगरान हुकूमत को अपनी मुद्दत बढ़ाने का कोई इख्तियार हासिल है, लिहाजा निगरान हुकूमत आइन के मुताबिक होगी। अगर वैसे तो जो मुल्क है जहाँ पर इलेक्शन कमीशन तगड़ा होता है वहाँ पर तो जरूरत ही नहीं है निगरान हुकूमतों की, बट बदकिस्मती से हमारा इलेक्शन कमीशन चूंकि ग्रो नहीं किया इसलिए आप एक निगरान हुकूमत बनाते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन तगड़ा हो जाए और वो तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करे तो ये तो फॉर्मेलिटी है निगरान हुकूमत बनाना, ये तो असूलन सिविलाइज मुल्कों में तो इस तरह की हुकूमतें बनती ही नहीं है, लेकिन अगर ये बनती भी है तो इसके इख्तियारात बड़े महदूद हैं, और ये हुकूमत जो है वो अपनी आइनी मुद्दत यानी 60 दिन के लिए बनेगी और इनके इख्तियारात वाज़े हैं। शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब। अहम खबर आपसे शेयर करेंगे। डीसी गुजरांवाला की लाश घर से बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि सोहेल अहमद ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की है, जिसके बाद अब जिले इंतजामिया डीसी हाउस में पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि उनके घर से उनकी लाश बरामद हुई है। जी हां, सोहेल अहमद ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की, ये जराए का कहना है, लेकिन अभी इस हवाले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सोहेल अहमद टीपू जो कि डीसी गुजरांवाला के तौर पर तैनात थे, अचानक से उनकी लाश घर से बरामद हुई है और अभी तक वाज़े नहीं है कि उनकी मौत कैसे वाकया हुई है। अलबत्ता यहां पर ज़ाब्ते की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, तहकीकात के बाद ही सूरत हाल वाज़े हो सकेगी कि उनकी मौत कैसे वाकया हुई, लेकिन फिलहाल वो मुर्दा घर में पाए गए हैं, उनकी लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। जी हाँ, जरा ये बता रहे हैं कि जो इब्तदाई इत्तलात उनके पास पहुंची हैं, ये शवाहिद जो उन्होंने देखे हैं उसके मुताबिक सोहेल अहमद टीपू ने अपने गले में फंदा डालकर मुबैना तौर पर खुदकुशी की है, और अब उनकी लाश उनके घर से बरामद होने के बाद तहकीकात का आगाज किया गया है, और मुख्तलिफ जो एहलकार हैं मुख्तलिफ इदारों के वहाँ पर पहुंचे हैं और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। डी सी गुजरांवाला की लाश उनके घर से बरामद हुई है। सोहेल अहमद टीपू डी सी गुजरांवाला के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे, अब उनके मुतल्लिक बताया जा रहा है कि वो मुबैना तौर पर खुदकुशी के बाद मुर्दा हालत में घर में पाए गए हैं। अब बताया जा रहा है कि जिले इंतजामिया उनके घर में पहुंच गई है। पुरसरार मौत दिखाई दे रही है, लेकिन क्या वजह हो सकती है, इसकी क्या मुहरकात हो सकते हैं, तहकीकात के बाद ही सूरत हाल वाजे होगी। इस वक्त जिले इंतजामिया पुलिस एहलकार तफ्तीशी इदारे डीसी के घर पहुंच चुके हैं, उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है।
इससे पहले हम बात कर रहे थे एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ की पेशी की, उनके साथ मरियम नवाज भी थी, उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की और सहाफियों को बताया कि वालिदा की अयादत के लिए हाजिरी से इस्तस्ना मांगा था, लेकिन नैब ने अदालत से कहा कि पूरे खानदान का वहां होना जरूरी नहीं। मरियम नवाज ने कहा कि जज साहब ने इस्तस्ना पर अभी फैसला सुनाना है, नैब ने अदालत में मुनासिब बात नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा कि डॉक्टर मियाँ साहब का इंतजार कर रहे हैं और मियाँ साहब ने कुलसुम नवाज की सेहत के बारे में अहम फैसले करने हैं। क्या फैसला सुनाएंगे ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जब हमारे वकील ने दरखास्त की इस्तस्ना की एक हफ्ते के लिए, तो नैब ने कहा कि पूरे खानदान का वहाँ होना जरूरी नहीं है। एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या क्या फैसला आएगा, क्या तवक्कु है आपको? कोई वो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती, वो तो जब आएगा तो पता चलेगा। तो इस वक्त कुलसुम ने ये जरूर कह सकती हूँ कि बीमारी जो है अल्लाह ना करे किसी पे आए, लेकिन जब किसी की माँ या बाप या बीवी या कोई बीमार होता है तो इंसान को ये वक्त जो है ना इसको याद रखना चाहिए, किसी पे भी आ सकता है। तो ऐसे कमेंट्स देना कि पूरे ख़ानदान का वहाँ होना ज़रूरी नहीं है, वो किसी की वालदा है, किसी की वाइफ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुनासिब बात थी। इस वक्त ये ना की जाती तो बेहतर। इस वक्त उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि डॉक्टर ने फिर कहा है कि उनकी फिजियोथेरापी जो है वो जो है, नहीं, उनकी 6 कीमोज हुई और 6 कीमोज के बाद जो उनके नेक लिम्फ नोड्स हैं उनमें कैंसर री अपीयर हो गया। तो अब डॉक्टर्स जो हैं वो मियाँ साहब का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उनके लिए कुछ ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं कि या सर्जरी हो जाए या रेडियोथेरेपी 5 हफ्तों के लिए या सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी। तो इन डिसीजंस के लिए डॉक्टर्स के साथ जो ज़रूरी मीटिंग्स हैं वो करनी ज़रूरी हैं, उसके लिए मियाँ साहब का वहाँ होना ज़रूरी है। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर कहते हैं कि शेख रशीद ने आईन तोड़ने का इंदिया दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट शेख रशीद की बातों का नोटिस ले। उन्होंने कहा कि शेख रशीद ने किस ईमान पे आईन तोड़ने की बात की है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट शेख रशीद की डिक्टेशन नहीं लेगा। उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। मुल्क के बहुत बड़े बड़े मसले हैं जी, राव साहब को छोड़े, आप ये पूछें कि कल शेख रशीद ने आईन तोड़ने का इंदिया दे दिया और उस पर बात करें, ये